सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टूडे में। आज हम डिस्कस करेंगे पीरामल फार्मा। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 10% की गेन देखने को मिल रही है और ये स्टॉक करंट लेवल पर 213 रुपए 99 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल को आज के दिन ब्रेकआउट दिया, जो कि स्टॉक का जो 52 वीक हाई था उसे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और यहां से स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। काफी सारे निवेशकों का ये क्वेश्चन था कि क्या स्टॉक के अंदर एक फ्रेश खरीदारी करने का एक सही समय है, क्योंकि स्टॉक देखें तो लाइफ टाइम हाई पर भी ट्रेड कर रहेगा। और दूसरा कुछ निवेशकों का ये भी क्वेश्चन बन रहेगा कि क्या स्टॉक अभी ऊपरी लेवल पर मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिन निवेशकों ने इस स्टॉक को नीचे बाय किया है ऊपरी लेवल पर स्टॉक को बेच सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल देखने को मिलेगा। चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इसे स्टॉक के अंदर जो हाई था वो 195 रुपीज का था। काफी समय से स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे रहा था, ऊपरी लेवल पर हल्की सी करेक्शन भी देखने को मिलती है। स्टॉक नीचे में 189 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट करता है, पर निचले लेवल पर स्टॉक के अंदर काफी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। साथ के साथ आज के दिन स्टॉक के अंदर वॉल्यूम एवरेज भी देखें तो नॉर्मल दिनों से ज्यादा स्टॉक के अंदर एक लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, जिसका सीधा संकेत है कि यहां से स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में 200 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रखें। ऊपर के टारगेट अराउंड 250 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।